कुरुक्षेत्र रोड पर किसान यूनियन की तरफ से धरना दिया गया। इस धरने में आसपास के कई गांव के लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की जो जमीन सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक्वायर की है उस जमीन का उन्हें उचित मूल्य मिले। सरकार ने इस जमीन का मूल्य 70 लाख रखा है, लेकिन किसानों की मांग है उन्हें इसका मुआवजा 2 करोड़ से ऊपर मिले। किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और मांग की कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी और हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। किसान यूनियन के प्रधान सुखदेव सिंह ने बताया कि यहाँ किसानों ने मजबूरी में आके धरना दिया है निश्चय काल के लिए, क्योंकि यहाँ किसानों ने कुरुक्षेत्र जिला के साथ किसानों के साथ धोखाधड़ी किया है सरकार ने। और हम लोग की जो डिमांड है किसानों की, यहाँ 2 करोड़ की डिमांड है प्रति एकड़ की, 2 करोड़ प्रति एकड़ हमारे को मिलना चाहिए, क्योंकि चक्रधादरी में 1 करोड़ 10 लाख मिला है और हमारे को यहाँ 57 लाख 60 लाख रुपया मिला है। जो हमारी यहाँ की डिमांड है किसानों की कुरुक्षेत्र जिले की 2 करोड़ की डिमांड है, 2 करोड़ रुपया हमारे को चाहिए। ये खेती का सबसे हरियाणा के अंदर पहले नंबर पे कुरुक्षेत्र जिला है जो यहाँ खेती के ऊपर किसान डिपेंड करते हैं, जो इनका खेती के साथ में जुड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र जिला। गनीमत है कि हरियाणा सरकार सड़कों का निर्माण पूरे जोर शोर से कर रही है, लेकिन किसानों को इसका उचित मुआवजा न मिलने के कारण खुश नहीं है और सरकार से आर पार की लड़ाई करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।